स्वागत है आपका इस वीडियो में। बात करेंगे मेथड ऑफ टीचिंग मैथ्स 2021 बीएड फर्स्ट ईयर का जो पेपर था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में, वो उसमें क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे, क्या क्या क्वेश्चन आए थे, उसके बारे में बात करेंगे, रिव्यू करेंगे। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, आप पीडीएफ से वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं बीएड फर्स्ट ईयर मेथड ऑफ टीचिंग मैथ 2021 का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा था। शुरू साल की तरह इस साल भी सेक्शन सी में दो ही क्वेश्चन करने थे और प्रत्येक क्वेश्चन 15 नंबर का सवाल था और बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन एज यूजुअल। आपको एक लेसन प्लान बनाना था 15 नंबर में और इस लेसन प्लान की खास बात यह है कि कोई टॉपिक नहीं दिया गया था। कक्षा सातवीं के लिए गणित के किसी प्रकरण पे 35 मिनट की एक पाठ योजना बनानी थी और उसके अथवा में पूछा गया था कक्षा छः के लिए गणित के किसी भी प्रकरण पे किसी भी टॉपिक पे एक लेसन प्लान बनाना था 15 नंबर का। 35 मिनट टोटल ड्यूरेशन था और 15 नंबर का आपको एक लेसन प्लान बनाना था। आई होप सब ने बना लिया होगा और सेक्शन सी में आई होप सब ने ये एक क्वेश्चन जरूर किया था। और देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बड़ी मज़ेदार चीज़ और बड़ा ईजी हो गया था। सेक्शन सी बड़ा ईजी इसलिए हो गया था क्योंकि मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन कई बार आपको बताया जा चुका था चैनल पे। ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है, ऑडियो विजुअल एड्स श्रव्य दृश्य उपकरणों से आप क्या समझते हैं, गणित शिक्षण में श्रव्य दृश्य उपकरणों के महत्व का वर्णन करिए। तो ये 15 नंबर में ये भी सवाल पूछ दिया था। इसके अथवा में भी जो ऑप्शन था वो भी आसान था, एक अच्छे गणित शिक्षक की मुख्य विशेषताओं पर वर्णन प्रकाश डालिए वर्णन करना था। इनमें से आप कोई भी कर सकते थे। आई होप बच्चों ने ज़्यादा से ज़्यादा कुछ बच्चों ने ये किया होगा, कुछ बच्चों ने ये, तो दो क्वेश्चन आपको यहीं से ईजी मिल गए। बाकी नौवां में क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में पूछा था और पर्यवेक्षणात्मक अध्ययन एवं अभिकृत अधिगम इसके बारे में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके सेक्शन सी के सवाल। आई होप सब ने दो क्वेश्चन एक लेसन प्लान बनाया होगा और दूसरा क्वेश्चन सेक्शन सी से या तो ऑडियो विजुअल इफेक्ट के बारे में, ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में, या फिर आपने एक अच्छे गणित शिक्षक की विशेषताओं पर प्रकाश डाला था। तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में आपने क्वेश्चन कौन सा किया था। सेक्शन सी काफ़ी ईजी। अब बात करते हैं सेक्शन बी के बारे में। सेक्शन बी में आपको टोटल कितने क्वेश्चन करने थे? सेक्शन बी में आपको क्वेश्चन करने थे, ऑब्वियसली बात है, 10 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन करना होता है और इस बार हर एक क्वेश्चन 6 नंबर का था। तो इसमें सबसे पहले क्या पूछा था, गणित की प्रकृति का विस्तार में से वर्णन करिए। गणित की प्रकृति फर्स्ट यूनिट से सवाल आया था, गणित की प्रकृति। दूसरी इसके अथवा क्वेश्चन आया था, गणित के क्षेत्र में भास्कराचार्य के योगदान। 4 जो मुख्य गणितज्ञ हैं, आर्यभट्ट हो गए, भास्कराचार्य हो गए, रामानुजम हो गए, तो इनके बारे में एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो इस बार आर्यभट्ट जी के बारे भास्कराचार्य जी के बारे में पूछा गया था। और तीसरा जो सवाल था दोस्तों, क्विज, गणित में क्विज का क्या स्थान है, गणित के क्विज का क्या मुख्य विशेषता है, इस पर टिप्पणी करना था। और ह्यूरिस्टिक मेथड अन्वेषण विधि, खोज विधि, इसको खोज विधि या अन्वेषण विधि भी कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सब ने इस चीज़ को क्वेश्चन को कर लिया हो गया। और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों चौथा क्या था। चौथा था कि माध्यमिक स्तर पर गणित में गृह कार्य का महत्वपूर्ण, मतलब होम असाइनमेंट्स, वही रिपीटेड क्वेश्चन थे और आसान क्वेश्चन थे, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जिस पर बहुत प्रकाश डालना हो, मतलब होम असाइनमेंट, होमवर्क का क्या इस्तेमाल है, क्या महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में लिखना था। डिस्क्राइब द एम्स ऑफ मैथमेटिक टीचिंग एट सेकेंडरी लेवल, शैक्षिक उद्देश्यों के बारे में वर्णन करना था, एम्स वर्णन करना था। तो उम्मीद है आपने इसके उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग डाल के आपने अच्छे से लिख दिया होगा। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च बहुत बार पूछा था। हाँ, आई एम सो सॉरी, मैंने अपने वीडियोस में एक्शन रिसर्च के बारे में नहीं बात किया था, इसके लिए आई एम सो सॉरी, ठीक है। हाँ, लेकिन ये पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कई बच्चों ने कमेंट भी बताया था कि सर एक्शन रिसर्च के बारे में वीडियो बनाई लेकिन नहीं बनाया था, क्योंकि उसके ऑप्शन में एक और सवाल क्या था, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन द मैथमेटिक्स, आसान से शब्दों में आप इजिली सब ने लिख लिया होगा। नेक्स्ट था दोस्तों इंडक्टिव मेथड, ओके, आगमन विधि के बारे में इस बार पूछा गया था। इंडक्टिव मेथड, इसके गुण और दोष के बारे में पूछा गया था। अथवा में पूछा गया था कि एनालिटिक एंड सिंथेटिक मेथड, यानी कि विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि, मैथ में ये तो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है। तो सेक्शन बी भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, इसमें आपने ईजिली कर लिया होगा। और बात करते हैं सेक्शन ए के बारे में, तो आइए देखते हैं सेक्शन में। सेक्शन ए में इस बार थोड़ा सा एक सवाल दो दो नंबर का पूछ दिया था और 50 शब्दों में लिखना था, ठीक है। तो सेक्शन ए में आपका पहला क्या था भाई, कि माध्यमिक विद्यालय में, माध्यमिक विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का क्या स्थान है, इन द प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन द सेकेंडरी स्कूल करिकुलम, ठीक है। दूसरा सवाल था, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ ओरल वर्क्स, मौखिक कार्य का क्या महत्व है, और लेसन पाठ योजना क्या होती है, बहुत आसान सवाल। मेंशन द कोर रिलेशन बिटवीन मैथ एंड इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स का एक रिलेशन सह संबंध पूछा गया था। राइट दैट इंपॉर्टेंस ऑफ रेनफोर्समेंट स्किल्स, ओके, पुनर्भरण कौशल के महत्व के बारे में पूछा गया था। और दैनिक जीवन में गणित की उपयोगिता पर प्रकाश डालना था, थ्रो लाइट ऑन द यूटिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स इन डेली लाइफ। ओके, व्हाट इज इंडक्टिव मेथड, आगमन विधि,
और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पूछा गया था व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्ट वर्क, गणित में योजना कार्य का क्या महत्व है, क्या समझते हैं आप, और गणित के क्षेत्र में रामानुजम का योगदान। तो रामानुजम का योगदान एक नंबर में पूछा गया था गणित के क्षेत्र में। और व्हाट इज़ द मेन ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की मुख्य शाखाएं क्या क्या हैं। सब दे आई होप दोस्तों आप सबने अच्छे से पेपर किया होगा। प्लीज़ कमेंट में बताइए कि कैसा रहा पेपर, कैसा रहा क्वेश्चंस और कैसे रहा आपका एग्जाम्स। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये भी बताना ना भूलें कि क्या मेरी वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल रही थी। मैंने मैथ्स के वीडियो बनाए थे, इस पूरे अगर पूरे पेपर्स की बात करें तो मैंने एक टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाया था, वो क्या था, एक्शन रिसर्च सेंटर, लेकिन उसके ऑप्शनल वाला आपने कर लिया होगा। और साथ ही साथ भास्काचार्य पर नहीं बनाया था क्योंकि इतना कम टाइम में ना बहुत सारे गणितज्ञों के बारे में बात करना था, इसलिए मैं इसको नहीं बता पाया था। मैंने ऐसे जैसे कि गणित शिक्षक की विशेषताएं, उनका महत्व, ये सारी चीज़ें हमने सबने डिस्कस करी थी। अन्वेषण विधि को कई बार डिस्कस किया गया था और आपसे कहा भी गया था। तो प्लीज़ कमेंट बताइए कि मेरी जो मैथ्स की वीडियो थी क्या वो थोड़ी बहुत हेल्पफुल रही आपकी कि नहीं रही, प्लीज़ कमेंट बताइए। आपके फीडबैक से मैं और सुधार करूँगा अपनी वीडियोज़ में। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ये भी कमेंट में बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आगे जैसे पेपर्स होते रहेंगे आपको ऐसे रिव्यू मिलता रहेगा। जुड़े रहिए चैनल से, साथ पढ़ेंगे अच्छा रहेगा, डिस्कस करके पढ़ेंगे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।